अनलॉक 1.0 को देखते हुए ये बात जोर शोर से उठ रही थी कि रेलवे अपनी सभी ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ा सकता है, लेकिन सारी अटकलों पर विराम लग गया है। रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि 12 अगस्त तक कोई मेल या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेंगी, श्रमिक और स्पेशल रेलगाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी। यात्री कृपया ध्यान दें, जो लोग रेलवे से सफर करने की ख्वाहिश रखते हैं वो यात्री इस खबर को ध्यान से देखें। रेलवे ने ऐलान कर दिया है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के रद्द टिकटों का 100% रिफंड मिलेगा। गुरुवार को रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके बाद तमाम अफवाहों, सारी अटकलों पर विराम लग गया। इस सर्कुलर से ये साफ हो गया है कि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए रेलवे की रफ्तार पर लंबे समय तक ब्रेक लगा रहेगा। सर्कुलर के मुताबिक पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का चक्का 12 अगस्त तक जाम रहेगा। इस दौरान जिन यात्रियों ने ट्रेन का टिकट लिया है वो टिकट रद्द हो जाएंगे और उनका पैसा यात्रियों के बैंक खातों में बिना किसी कटौती के वापस हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 30 जून से 12 अगस्त के बीच की यात्रा के लिए बुक कराए गए एडवांस ट्रेन टिकटों को वापस करने का निर्देश अपने सभी जोनल ऑफिस को दे दिया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कराए गए सभी टिकट ऑनलाइन ही थे, लिहाजा सारे टिकटों का पैसा सीधे बैंक खातों में पहुंच जाएगा। सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि 12 मई और 1 जून से चलाई जा रही श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें जारी रहेंगी। आखिर रेलवे ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह महामारी की तेज रफ्तार और दूसरी यात्रियों की